रमेश और उसकी फैमिली बहुत खुश थी। रमेश ने अपने फैमिली के लिए नया घर लिया था। और बेटा, नया घर कैसा लगा? ये घर तो बहुत खूबसूरत है पापा। उन लोगों को आने वाले खतरे के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। वीडियो गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। उनकी बेटी रानी को देर रात तक वीडियो गेम्स खेलने की आदत थी। एक रात इंटरनेट में उसको एक अजीब सा वीडियो गेम्स दिखता है जो उसको काफी दिलचस्प लगता है। अरे, ये कैसा वीडियो गेम है? या तो चूज करो या मर जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, सब बकवास बात है। कुछ देर सोचने के बाद रानी आखिरकार वो गेम डाउनलोड कर लेती है, पर जैसे ही वो गेम ऑन करने जाती है इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अरे यार, ये लाइट को भी अभी जाना था। कोई बात नहीं, मुझे नींद भी आ रही है, कल खेल लूंगी ये गेम। रानी फिर सोने चली जाती है। अगली रात को जब वो अपना होमवर्क कर रही होती है तब उसे उस गेम के बारे में याद आता है। अरे हाँ, मैंने कल एक गेम डाउनलोड किया था ना, होमवर्क करके आज उसे खेलूंगी। होमवर्क करने के बाद रानी गेम को ऑन करने लग जाती है। जैसे ही गेम ऑन होता है एक आवाज आती है। अपनी उम्र बताओ। उम्र 12 साल। 18 साल के नीचे के लोगों के लिए ये गेम नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है, मैं तो ये गेम खेल कर रहूंगी। रानी अपनी उम्र 18 साल से ज्यादा लिखकर गेम को ऑन कर लेती है। गेम में पहला सवाल आता है, चूज करो ठंडी आइसक्रीम या गर्म कॉफी। मुझे तो ठंडी आइसक्रीम पसंद है, वही लिख देती हूँ। जैसे ही रानी ठंडी आइसक्रीम कंप्यूटर पर लिखती है उसके सामने ठंडी आइसक्रीम आ जाती है। ये देखकर रानी चौंक जाती है। कुछ देर के लिए तो उसे यकीन नहीं होता है कि ये सपना है या सच। अरे, ये तो सच में आइसक्रीम आ गया। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसे गेम खेलने में मजा आने लगा। वो रोज रात को 1 बजे तक गेम खेलने का आदी बन गई। जब तक लेवल आसान था उसे गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा था। कुछ दिनों के बाद गेम का लेवल बढ़ गया। गेम का लेवल बढ़ने पर पहला सवाल देखकर रानी चौंक गई। चूज करो मम्मी या पापा। ये कैसा सवाल है, ऐसे कैसे हो सकता है? 1 मिनट के अंदर चूज करो या मर जाओ। ये सुनकर रानी गुस्से से बोलती है, नहीं करना मुझे चूज, नहीं खेलना मुझे गेम। वो गेम को अनइंस्टॉल करने लग जाती है, लेकिन गेम अनइंस्टॉल नहीं होता है। ये देखकर रानी बहुत डर जाती है। और 15 सेकंड है तुम्हारे पास, चूज करो या मर जाओ। रानी डर के मारे चूज कर लेती है। चूज करो मम्मी या पापा। पापा। इसके बाद रानी कंप्यूटर बंद करके सोने चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके घर से मम्मी गायब रहती है। वो ये सब देखकर रोने लग जाती है। सब मेरी गलती है, ना मैं वो गेम खेलती ना ये सब होता, आज मैं कंप्यूटर ही तोड़ डालूंगी। वो जैसे ही कंप्यूटर तोड़ने जाती है उसे जोर का करंट का झटका लगता है। इसमें तो करंट आ रहा है। तभी कंप्यूटर से आवाज आती है, गेम का समय शुरू हुआ। और गेम अपने आप ही शुरू हो जाती है। रानी को मजबूरी में गेम खेलना पड़ता है। चूज करो आँख या कान। इस बार वो सवाल का जवाब नहीं देती है। टाइम खत्म होने पर रानी अजीब और गरीब हरकत करने लग जाती है। गेम रानी को हिप्नोटाइज कर लेता है जिससे वो अपने आप को कत्ल कर लेती है। कहानी खत्म हुआ। बाहर बारिश हो रही है, मुझे कपड़ा उतारने जाना है। आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।